और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना से खबर मिल रही है जहां पटना एयरपोर्ट पर एक विमान हादसा टल गया। पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल उड़ान भरने के दौरान विमान में अचानक आग लग गई, जिस कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और हादसे के बाद विमान को नीचे स्ट्रिप पे लैंड कराया गया। ये तस्वीरें आप पटना एयरपोर्ट की देख रहे हैं जहां आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया और फिलहाल मौके पर डीएम और एसपी मौजूद हैं जो इस पूरे हादसे को लेकर विस्तार से जानकारी जुटा रहे हैं। और आपको एयरपोर्ट स्टाफ भी तस्वीरों में नजर आ रहा है, एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रही है। दरअसल आज पटना एयरपोर्ट पर जब विमान को उड़ाया जा रहा था तो उस वक्त अचानक से अज्ञात कारणों की वजह से विमान में आग लग गई, जिसके बाद उसे उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल स्थिति कैसी है, फ्लाइट में जो पैसेंजर्स मौजूद थे उनकी सेफ्टी को लेकर भी तमाम अपडेट अब से कुछ ही देर बाद हमारे सामने आएंगे, हम आपको उस बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उड़ान भरने के दौरान यानी कि टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है, हालांकि हादसे को रोक लिया गया। नीतीश चंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस पूरे मामले में क्या अपडेट? अभी पहले ये दो नीतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए नीतीश का रुख करेंगे। हेलो जी नीतीश, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि पटना एयरपोर्ट पर जो विमान हादसा टल गया है उस बारे में क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पटना से ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी जिसने उड़ान भरी और उड़ान भरते ही पटना में ही फुलवारी शरीफ का इलाका है जो पटना से एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, सटी हुई कॉलोनी है, वहां के कई लोगों ने ये देखा कि फ्लाइट के एक हिस्से में आग लग रही है, उससे धुआं निकल रहा है और जो फ्लाइट की आवाज थी वो बिल्कुल बदल सी गई थी, काफी तेज आवाज हो गई थी। और ये किसी एक तो आदमी ने नहीं बल्कि कई लोगों ने देखा, मेरे पास भी कई लोगों का फोन आया। उसके बाद तमाम जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनके पास भी ये जानकारी पहुंची और उसके बाद उन लोगों ने तुरंत राहत कार्य के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। पटना एयरपोर्ट पर अफरातफरी मच गई और यहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। पटना के डीएम, एसपी, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि ये जो सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है, कोई हताहत नहीं है और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है, वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। कितने यात्री थे? ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। हाँ अच्छा, 100 नहीं, ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बाया जो डायना है उसका दो ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे और इसको फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी, फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया, उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। यहां से पटना से दिल्ली के लिए वो टेक ऑफ की थी फ्लाइट और वापस आ गई है, सभी लोग सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है। नहीं, वो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था लोग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कारण ये बता रहे हैं लोग कि बर्ड हिट हो सकता है या कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है, उसकी एनालिसिस इंजीनियर्स कर रहे हैं और उसको स्पाइस जेट की तरफ से अधिकृत रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो स्पाइस जेट की उड़ान जो यहाँ से टेक ऑफ की थी वो कितने बजे की थी और कितने यात्रियों के अभी साथ जस्ट सवार होकर अभी के? जस्ट की थी, अभी जस्ट की थी और ये हम लोगों को जो है लोगों ने फोन किया, आम लोगों ने फोन किया हम लोगों को, फुलवारी शरीफ के लोगों ने जो हम बताया, जैसे ही टेक ऑफ की उसमें दिखा आग के लपट लोगों को दिखा, आम लोगों को, उन लोगों ने फोन किया और तुरंत एयरपोर्ट को भी सूचित किया गया, हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं
और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, पूरी तरह से सुरक्षित है। थैंक यू। फ्लाइट आ गई है यहाँ। थैंक यू। प्रशासनिक अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी जिसमें 185 यात्री सवार थे। बिहार से दिल्ली इन्हें जाना था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट पैसेंजर्स को लेकर टेक ऑफ हुई तो ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी 12:10 पर। टेक ऑफ करते ही उसके बाएं दाहिने में आग की सूचना मिली। स्थानीय लोगों ने नीचे से देखा और जिला प्रशासन को फोन किया और उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट को बताया और तुरंत यहां पहुंचे। तो आप सुन रहे थे डीएम पटना को, उन्होंने जानकारी दी है कि फ्लाइट में जो 185 यात्री मौजूद हैं वो सभी सुरक्षित हैं, किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं आई है। और जब हादसे के कारण के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो शायद बर्ड हिट हो गया हो। पटना एयरपोर्ट से एक फ्लाइट के उड़ान भरने के दौरान उसमें आग लगने की खबर कुछ लोगों ने दी है और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर आप देखिए पुलिस भी पहुंच रही है, एम्बुलेंसेस को भी यहां बुला दिया गया है। यहां पर जो जगह है उसको खाली किया जा रहा है, ये जानकारी फुलवारी शरीफ इलाके के रहने वाले कुछ लोगों ने दी है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो फ्लाइट थी उसमें नीचे के हिस्से में लोगों ने आग देखा और उसमें आवाज़ भी बहुत अलग तरह की आ रही थी और इसी अलग तरह की आवाज़, जोरदार आवाज़ के कारण लोग जो है उनकी नज़र गई ऊपर की तरफ तो उन्होंने देखा कि उसमें धुआं निकल रहा है। यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट पर अब तैयारियाँ की जा रही हैं, हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन करके ये जानकारी दी है और ये जानकारी फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी उस इलाके के लोगों ने दी है। और इसलिए यहाँ पर जो है अब आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि यहाँ आप खाली कर दें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जानकारी दी है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़े अधिकारी पहुँच रहे हैं और ये सब सीधे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ये सारे लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि इस पूरे जगह को खाली कर लिया जाए। एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं, एयरपोर्ट के डायरेक्टर यहाँ पर हैं। सर सर ये कंफर्म कर दिया जाए, सर फ्लाइट वापस आ गई, सर फ्लाइट वापस आ गई। तो नीतीश को आप सुन रहे थे, ये उस वक्त की घटना के बारे में बता रहे थे जब तुरंत हादसा हुआ था। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है डीएम पटना के मुताबिक सभी फ्लाइट में सवार 185 यात्री सुरक्षित हैं, साथ ही उनको अब उनके लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की जा रही है जिससे पटना से वो दिल्ली जा सकें। जब हादसे के कारणों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि कोई चिड़िया टकरा गई हो जिस कारण विमान के बाहिने हिस्से में आग लग गई और फुलवारी शरीफ के लोगों ने, एक नहीं कई लोगों ने इस आग को नीचे से देखा। बाद में जो पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे उनको भी इस बात का आभास हुआ कि फ्लाइट में आग लग गई है। स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई और फिर फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। ये बताइए कि आपने अपनी आंखों से देखा था, आपने अपनी आंखों से देखा? आंखों से देखा है सर। क्या दिखा आपको? इतना बड़ा बड़ा आग का गोला फेंक रहा था फ्लाइट के निचले हिस्से में, नहीं पंखी वाला हिस्सा से। अच्छा, उसमें आवाज भी अलग तरह की आ रही थी, एकदम बम जैसा आवाज फट 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 कर रहा था सर। अच्छा, हाँ। समय आप कहाँ थे? अपने छत के ऊपर थे। अच्छा, तो जिस तरह की आवाज थी तो क्या फिर फ्लाइट आगे की तरफ गई या वापस आई? ऊपर 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 जा रही थी सर। अभी आप देख पाए कि ये किस कंपनी की फ्लाइट है? स्पाइसजेट है, एयर इंडिया है, कौन सी? स्पाइसजेट सर। ये फ्लाइट वापस भी आ गई है? हाँ सर, अब पता चला शायद वापस आ गई। आपने ये जानकारी तुरंत दी एयरपोर्ट को? हम जानकारी दिए, हमारे जो जानकार में लड़का था उसको हम फोन कर दिए थे। आपको देखकर तो ये दिख गया होगा कि कोई अनहोनी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। हाँ सर, गलत हो तभी तो बोले हैं। लेकिन सारे लोग ऊपर देखने लगे? हाँ, बहुत लोग छत पर चढ़ गए थे सब। जोर की आवाज थी क्या? बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, फट 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 का आवाज आ रहा था। आग का गोला बड़ा था या धुआं सिर्फ दिख रहा था आपको? नहीं, जिस फटफटिया में कैसे फेंकता है के बाद इतना बड़ा बड़ा गोला उतना फेंक रहा था। एक डहने की तरफ, बाई तरफ या दाहिनी तरफ? लेफ्ट। फ्लाइट पटना से दिल्ली जा रही थी कि नहीं बता सकते सर? तो ये बता रहे हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से फ्लाइट के एक पंखे के तरफ से आग लगी हुई थी और उसके बाद ये भी उन्होंने सुना कि आवाज़ जो थी बहुत तेज थी। और ये जानकारी कई लोगों ने दी है, मेरे पास भी कई जो फुलवारी शरीफ खगौल के लोग हैं वो फ़ोन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से
ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और ये जानकारी जब यहाँ आई है तो पूरे पटना एयरपोर्ट पर यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुला लिया गया, एयरपोर्ट के सामने के हिस्से को खाली कराया गया, एम्बुलेंस पहुँचा और पटना के DM, SP तमाम बड़े अधिकारी आ गए, एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी यहाँ पर पहुँचे और अब पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। ये भी एक अच्छी खबर मिली है कि जिस फ्लाइट के निचले हिस्से में आग लगी थी उसको वापस सुरक्षित लैंड करा लिया गया है, वापस फ्लाइट लैंड कर चुकी है। ये एक सबसे राहत वाली खबर। और यहाँ देखिए किस तरह से लगातार एम्बुलेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की जानकारी मिली थी, जो खबरें आई थी वो अनहोनी की आशंका जता रही थी और इसलिए अब पूरी तैयारी कर ली गई। और एयरपोर्ट के सामने देखिए किस तरह से काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। और कई लोगों ने ये सब कुछ चूँकि देखा, कई लोगों के पास ये जानकारी आई, लेकिन सबसे राहत भरी खबर ये कि ये फ्लाइट वापस सुरक्षित लैंड कर गई है। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ उस समय लोग जो होंगे, जाहिर है उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ बदल गई थी, जो अंदर लोग थे उनको भी इस बात का एहसास हो रहा होगा। थोड़ी देर में फ्लाइट से जब जो लोग हैं वो यदि बाहर आते हैं तब ये पता चलेगा कि क्या कुछ उन्होंने देखा। और यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई, क्योंकि जो खबरें थी वो बिल्कुल डराने वाली थी, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह की खबरें थी वो डराने वाली थी। ये साफ तौर पर दिख रहा था कि बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि कई लोग लगातार फोन कर रहे थे, कई लोग बता रहे थे कि आग का गोला देखा है उन्होंने, और फ्लाइट की जो आवाज़ थी वो डरावनी आवाज़ थी, इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई। और कई लोग जो इंडिया TV को फ़ोन कर जानकारी दे रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि किस तरह से जो है निचले हिस्से में आग लगी हुई थी, फ्लाइट के एक हिस्से में आग लगी हुई थी और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। और ये सारी जानकारी जो है लोगों ने दी, स्थानीय प्रशासन को दी और एयरपोर्ट को जब जानकारी मिली है तो अब पूरी तैयारी हो चुकी है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, पटना। तो ग्राउंड जीरो से नीतीश की रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने विस्तार से बताया कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसी है, कैसे ये हादसा पेश आया और फिलहाल अब इंतजार यही किया जा रहा है कि जो फ्लाइट में लोग सवार हैं वो वहां से बाहर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पाइस जेट का विमान बताया जा रहा है जिसके दाहिनी तरफ, ये जो फौरी जानकारी है उसके मुताबिक लेफ्ट विंग की तरफ ये आग लगी थी। हालांकि आग लगने के कारणों के बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बर्ड हिट हो। अक्सर जब प्लेन टेक ऑफ करता है और रास्ते में उस मार्ग में कोई चिड़िया या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस वजह से भी इस तरह के हादसे होते हैं और ऐसी ही संभावना जताई जा रही है। हालांकि जांच का विषय है, जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, कारण साफ हो पाएंगे। फिलहाल ये आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, प्लेन में आग लगने की जानकारी दी गई, मौके पर सभी लोग पहुंचे, 185 यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। और हालांकि इस खबर के बाद एयरपोर्ट में जरूर थोड़ी अफरा तफरी मची। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ Google Play Store या App Store पर।